हेलो गाइस, तो आज मैं वन चल फैन फैक्शन का अगला पार्ट स्पेंड करूँगी। लास्ट बार हमने देखा था कि मम्मा जो विंग को बोलती है, विंग तुम लोग घूमने गए थे है ना, तो विंग जो फिर से नाटक शुरू कर देता है और बोलता है हाँ मम्मा हम लोग घूमने गए थे, हमने बहुत इन्जॉय किया, लेन देन मुझे हर जगह पर लेके गया था। तो मम्मा बोलती है अच्छा तुम हर जगह पर गए थे, बहुत इन्जॉय किया है ना, फिर तो तुमने पिक्स भी खींची होगी, चलो मुझे पिक्स दिखाओ, मुझे तुम्हारी पिक्स देखनी है। तो जब मम्मा पिक्स का बोल देती है तो विंग को जो शौक लग जाता है और मम्मा ने जो स्माइल किया था, तो मम्मा जब देखती है कि विंग को शौक लग गया तो मम्मा जो फिर गुस्से में हो जाती है और विंग को देख रही होती है और विंग जो शॉकिंग नजर चले मम्मा को देख रहा था। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। विंग और मम्मा जिस तरह एक दूसरे को देख रहे थे तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें रात का सीन दिखाते हैं कि मम्मा जो लेंजेन के मुँह पर एक जोर से थप्पड़ मार देती है। लेंजेन और मम्मा और विंग जो लिविंग रूम में खड़े थे, मम्मा जैसे ही लेंजेन के मुँह पर थप्पड़ मार देती है तो विंग शौक में हो जाता है, लेंजेन शौक में हो जाता है और मम्मा की आँखें जो नम होती है। मम्मा बोलती है तुम विंग को इस हालत में होटल में भूल गए थे, एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ लेंजेन? तो लेंजेन थप्पड़ की वजह से जो लेंजेन का फेस एक साइड में हो गया था, लेंजेन का फेस उसी तरह ही होता है और लेंजेन जो मम्मा को देखने की हिम्मत नहीं करता है और विंग जो शौक में था, विंग की आंखें भी नम हो गई थी और मम्मा जो लेंजेन को बोलती है लेंजेन मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तो लेंजेन जो सर हिलाता है और बोलता है तो मम्मा बोलती है ऐसा क्यों किया तुमने लेंजेन, तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से विंग को रेडी किया था, वो तो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता था, मैंने ज़बरदस्ती उसको तुम्हारे साथ भिजवाया और तुम उसको होटल में छोड़कर मियाँ के साथ कहीं चले गए थे और फिर तुम उसको रात को 12 बजे पिक करते हो, वो भी वो बाहर बैठा हुआ था इतनी बुरी हालत में, अगर उस टाइम विंग को कुछ हो जाता तो विंग तो लेंजेन जो अपसेट था और विंग जो मम्मा की बात सुन रहा था, विंग मम्मा को देख रहा था और विंग की आंखें जो नम थी, विंग की आंखें जो नम हो जाती है और फिर मम्मा लेंजेन की कॉलर को पकड़ती है और बोलती है क्यों किया तुमने ऐसा, मैंने तुम्हारे साथ विंग की शादी इसलिए करवाई थी कि तुम भी विंग के साथ ऐसा बिहेव करो, हाँ लेंजेन तुम उसको इस तरह इस हालत में होटल में कैसे छोड़ सकते हो, वो भी पूरा दिन वो उस होटल में बिल्कुल अकेला था, मुझे पता चल गया लेंजेन कि वो किस हालत में था वहाँ, इस हालत में विंग को ज़्यादा बैठना ठीक नहीं है बट ये वहाँ बैठा हुआ था चेयर पर, तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है इस टाइम चेयर पर बैठना, विंग प्रेग्नेंट है पूरा दिन वहाँ वेट कर रहा था और तुम मियाँ मियाँ के साथ थे, क्या कर रहे थे तुम मियाँ मियाँ के साथ, और मम्मा जो लेंजेन की कॉलर को पकड़ के खींचती है, लेंजेन का फेस अपनी तरफ करती है और बोलती है मुझे जवाब दे लेंजेन, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मियाँ मियाँ के साथ तुम क्या कर रहे थे, तुम मियाँ मियाँ पूरा दिन क्या कर रहे थे लेंजेन, अकेले मुझे जवाब चाहिए। लेंजेन जो कुछ नहीं बोलता है तो विंग देख रहा होता है कि मम्मा बहुत गुस्से में है, तो विंग मम्मा का हाथ पकड़ लेता है, जिस हाथ से मम्मा लेंजेन की कॉलर को खींच रही थी विंग मम्मा का हाथ पकड़ता है और बोलता है मम्मा इसमें लेंजेन की कोई गलती नहीं है, मैंने आपको कहा ना कि मैंने लेंजेन को कहा था कि मैं अपनी बहन याली से और अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, मैं घूमने नहीं जाना चाहता हूँ। तो मम्मा विंग का हाथ हटा देती है और बोलती है विंग तुम हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलोगे, मुझे लेंजेन से जवाब चाहिए कि ये मियाँ मियाँ के साथ क्या कर रहा था, इसका और मियाँ मियाँ का क्या रिश्ता है, मुझे सिर्फ इन दोनों का रिश्ता जानना है, तब मैं आगे जाके फैसला करूँगी कि मुझे लेंजेन को क्या सज़ा देनी है। तो मम्मा जो गुस्से में थी तो विंग जो मम्मा का हाथों से हाथ हटा देता है क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मम्मा की आँखें नम थी। तो मम्मा फिर लेंजेन को बोलती लेंजेन मैंने कहा बताओ मुझे तुम उमिया में अकेले क्या कर रहे थे, किस रिश्ते से तुम उसको पूरा दिन इस तरफ घुमा रहे थे फिरा रहे थे, तुमने किस रिश्ते से उससे उसके साथ पूरा दिन स्पेंड किया और वो भी अकेले में, कहाँ गए थे तुम लोग? तो लेंजेन जो चुप होता है क्योंकि ये टाइम सही नहीं है कुछ भी बोलने का, इस टाइम मम्मा गुस्सा है तो मम्मा को गुस्सा निकालने दो, अगर इस टाइम ये बात मम्मा को गुस्सा निकालने दो, लेंजेन चुप ही होता है और मम्मा जो लेंजेन को बोलती है लेंजेन मैं तुमसे जवाब मांग रही हूँ, मियाँ मियाँ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम विंग को पूरा दिन उस होटल में छोड़कर चले गए थे, क्या यानली और जिनचेंग
उस रिंग के साथ रात को 12 बजे तक बैठ कर ये लोग बातें करने वाले थे लेंजैन। जो तुम रिंग को 12 बजे तक वहाँ पर, जो तुमने रिंग को रात को 12 बजे पिक किया, तो लेंजैन जो चुप था, ओविन जो मम्मा को देख रहा था, ओविन की आँखें जो नम थी क्योंकि वो देख रहा था लेंजैन को, कि लेंजैन को मेरी वजह से इतनी डांट खानी पड़ रही है। रिंग मम्मा को, रिंग लेंजैन को देख रहा था और रिंग बहुत अपसेट था और मम्मा जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, पहली बार मम्मा इतने गुस्से में थी लेंजैन को। और रिंग जो देख रहा था, तो रिंग से जो देखा नहीं जा रहा था, तो रिंग जो वहाँ से चला जाता है, रिंग यही सोच रहा था कि मेरी वजह से लेंजैन को इतनी डांट पड़ रही है। और फिर रिंग को अपनी चाची की बातें याद आती हैं, उसी चाची जो हर वक्त उसको मनहूस बोलती थी कि तुम मनहूस हो, तुम जिसके भी लाइफ में होते हो उनकी लाइफ इसी तरह बर्बाद ही होती है। तो भी ये दिलो दिमाग में वही गूंज रहा होता है कि मैं सच में मनहूस हूँ, मैं पहले जेवजन की लाइफ में था, तो वो जो अपनी फैमिली को छोड़ कर चला गया, अब मैं लेंजैन की लाइफ में आ गया हूँ, तो अब लेंजैन भी मेरी वजह से मम्मा से इतनी डांट खा रहा है, मेरी वजह से मम्मा ने उसको लेंजैन पर हाथ उठाया। और वही यही सोचा था, नहीं अब से रह जाता है, वही लेंजैन को ही देख रहा था और लेंजैन जो उस टाइम चुप था, बस मम्मा की डांट ही खा रहा था। तो वही जो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और वही जो वहाँ से चला जाता है, और वही जब जाता है अपने रूम की तरफ, तो मम्मा जो विंग को देख रही थी, और विंग जो बहुत अपसेट था, मम्मा देख रही थी कि विंग के अपने आंसू साफ कर रहा है, तो फिर मम्मा जो विंग को देखना बंद कर देती और लेंजैन को बोलती है कि लेंजैन मैंने इतनी खुशी से तुम्हारी शादी विंग से करवाई कि तुम विंग को वो रिस्पेक्ट दोगे जो विंग का है। अच्छा, तुम विंग को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो ना, तुम विंग को अपने हस्बैंड की नज़र से नहीं देख रहे हो ना, ये बात सच है ना। तो लेंजैन जो मम्मा को देखने लग जाता है, लेंजैन जो मम्मा को शौकीन नज़र से देख रहा होता है, और मम्मा जो लेंजैन की नज़रों को देख कर समझ जाती है कि ये सच है, मम्मा शौक में हो जाती है। अभी लेंजैन जो मम्मा को देखता है, मम्मा इतनी शौक में हो जाती है, मम्मा लेंजैन का कॉलर छोड़ देती और बोलती है मतलब जो जेवजन विंग के साथ करता था वो तुम कर रहे हो, है ना, वैसे ही लाइफ गुजर रही है ना विंग की, बिल्कुल अकेले। तो लेंजैन मम्मा को देखता है और मम्मा जो अपने कदम पीछे कर रही होती है और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अपने कदम पीछे करती है और बोलती है मतलब तुम्हारे साथ भी शादी कराकर मैं विंग को खुशी नहीं दे पाई जो मैं उसको देना चाहती थी, मतलब तुम भी बिल्कुल उसी तरह ही हो जैसे तुम्हारा बड़ा भाई था विंग के साथ। और मम्मा ऐसे बोलकर जो मम्मा सदमे में हो जाती है, और मम्मा जो पीछे ही हो रही थी, तो मम्मा की टक्कर जो सोफे से हो जाती है, तो मम्मा जो अचानक से नीचे बैठ जाती है सोफे पे। और ये सब सोचकर कि विंग के साथ वही हो रहा है जो हो रहा था, मतलब जो जेवजन कर रहा था वही लेंजैन कर रहा है, तो मम्मा जो जैसे ही सोफे पे बैठ जाती है, तो मम्मा जो रोने लग जाती है और अपने फेस पर हाथ रख देती है और रोने लग जाती है। लेंजैन मम्मा को देखता है, लेंजैन मम्मा के पास आता है, मम्मा के सामने घुटनों के पास बैठ जाता है और बोलते हैं मम्मा मम्मा आप रो क्यों रही हो, मैं सच में मुझसे गलती हो गई थी, मैं विंग को भूल गया था। तो मम्मा लेंजैन को पुश कर देती है और हटा देती है अपने से और बोलती है दूर रहो मुझसे, तुम विंग को भूल गए थे, अपने हस्बैंड को तुम भूल गए थे जिसके साथ तुमने मैरिड नाइट और फिर जिसके साथ तुमने शादी की रात गुजारी, उसको तुम कैसे भूल सकते हो। और मम्मा सोचती है कि तुम विंग को भूल गए थे मतलब तुम दोनों के बीच में। अभी मम्मा शौक में हो जाती है, मम्मा सब समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है जब एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ अपनी शादी की रात, ये रात तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता है, वो रात बिताकर कोई अपनी वाइफ को कैसे भूल सकता है। तो मतलब लेंजैन भूल गया, तो इसका मतलब यही है कि लेंजैन और इनके बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और मम्मा जो शौक में हो जाती है और लेंजैन जो वापस से घुटने के पर बैठ जाता है और बोलता है मम्मा मम्मा मुझे प्लीज़ लास्ट टाइम माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और मम्मा जो शौक में थी और लेंजैन जो मम्मा से माफ़ी मांग रहा था, लेंजैन मम्मा से माफ़ी मांग रहा था, मम्मा बस यही सोच रही थी
कि विंग और लेंजन हस्बैंड की तरह नहीं रह रहे हैं, कपल की तरह नहीं रह रहे हैं। लेंजन विंग को अपनी ओमेगा नहीं समझ रहा है। मम्मा यही सोच रही थी और मम्मा जो शौक में थी। लेंजन जो मम्मा से माफ़ी मांगता है। लेंजन बोलते हैं, मम्मा प्लीज़ मुझे लास्ट टाइम माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। और मम्मा लेंजन को हल्के से पुश कर देती है और बिल्कुल सदमे में होती है, खड़ी हो जाती है और आ रही होती है। लेंजन देख रहा होता है मम्मा को, मम्मा जो घर से बाहर जा रही होती है। तो लेंजन देख रहे हैं कि मम्मा कहाँ जा रही है। तो लेंजन होता है मम्मा के पास जाता है, मम्मा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मम्मा आप कहाँ जा रही हो। तो मम्मा लेंजन को अपने से दूर कर देती है और बोलती है, लेंजन मुझे अकेला छोड़ दो। तो लेंजन बोलते हैं, मम्मा मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेंजन जो दोबारा से अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है तो मम्मा बोलती है, लेंजन मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, जिस तरह तुम विंग को भूल गए थे उसी तरह अब तुम मुझे भी भूल जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो लेंजन जो ये सुनता है तो लेंजन जो उसी तरह खड़ा का खड़ा ही उसी तरह ही रह जाता है और मम्मा को देख रहा होता है। और मम्मा जो बाहर आ जाती है बहुत अपसेट होती है। और मम्मा बाहर आती है तो फिर मम्मा जो रोते रोते बाहर आती है और बाहर गार्डन में चेयर पे बैठ जाती है, जो गार्डन में चेयर होती है ना लकड़ी की उसमें बैठ जाती है और रो रही होती है। लेंजन जो मम्मा को देखने के लिए जाता है कि मम्मा कहाँ चली गई, कहाँ गई। तो लेंजन जब देखता है तो मम्मा जो बाहर गार्डन में बैठी थी और मम्मा रो रही थी। और लेंजन मम्मा की यह हालत देखता है तो लेंजन अपसेट होता है। लेंजन सोचता है, मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से जो घर में सब इतने अपसेट है, मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से मैं सिर्फ विंग को होटल में भूल गया था, उसकी वजह से जो इतना कुछ हो रहा है। पहले विंग इतना अपसेट था, विंग को इतनी मुश्किल से मनाया, तो अब मम्मा अपसेट हो गई। मम्मा को पता कैसे चला, किसने बताया मम्मा को। और फिर लेंजन बताए, कहीं विंग ने तो नहीं बताया था। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ज़रूर विंग ने ही बताया होगा। और फिर लेंजन जो गुस्से से अपने रूम को देख रहा होता है और बोलता है, विंग तुमने मेरी माँ को बताकर अच्छा नहीं किया। मेरी माँ को मैंने कभी अपसेट नहीं किया था, बट आज तुम्हारी वजह से जो मेरी माँ इतनी अपसेट है। और लेंजन जो विंग को गुस्से से देख रहा था तो फिर लेंजन जो गुस्से से विंग के पास चला जाता है। तो अब आते हैं मम्मा के पास, हम पहले मम्मा के पास आते हैं। मम्मा जो बैठी हुई थी रो रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी और यही बोल रही थी कि मैं विंग की लाइफ में खुशियाँ लाना चाहती थी, बट मैं शायद नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि विंग की किस्मत ही ख़राब है। विंग का पहला हस्बैंड भी उसके साथ अच्छा नहीं था, तो विंग का दूसरा हस्बैंड भी अच्छा नहीं है। मुझे लगा लेंजन किसी से प्यार नहीं करता है तो लेंजन विंग को रिस्पेक्ट देगा, वो विंग को पूरी तरीके से अपनाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, लेंजन विंग को कैसे भूल सकता है। जिस पर्सन के साथ कोई शादी की रात बिता दे वो पर्सन कैसे भूल जाता है। वो तो उसी टाइम भूलेगा ना जब उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। मतलब विंग के साथ लेंजन हस्बैंड की तरह नहीं रह रहा है। और मम्मा जो यही सोच रही थी और मम्मा जो अपने से थिंकिंग सोच रही थी कि विंग कहीं रूम में फर्श पे तो नहीं सोता है। और लेंजन बेड पर, मम्मा यही सोच रही थी कि विंग कहीं रूम में फर्श पे सोता है और लेंजन बेड पर, और ये लोग जो एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ मेरे सामने ही नाटक करते हैं। मम्मा ऐसे थिंकिंग मतलब मम्मा ऐसे सोच रही थी और रोई जा रही थी। तो अब हम आते हैं लेंजन के पास। लेंजन जो गुस्से में था वो जाता है अपने रूम में और गुस्से से रूम का गेट खोल देता है और बोलता है, जैसे गेट खोल देता है और बोलता है, विंग। जैसे गेट खोलता है गुस्से में होता है और विंग के कर चिल्लाता है। तो जब गेट खोल कर लेंजन देखता है तो विंग जो फर्श पे बैठा था और उसने बेड पर सर रखा था और वो रो रहा था। तो लेंजन विंग को ऐसा रोता हुआ देख लेता है। तो लेंजन जो इतना गुस्से में था तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन फिर जाता है विंग के पास और बोलता है, विंग क्या हुआ विंग। और विंग के पास बैठ जाता है और जैसे शॉक में हो जाता है
विंक इतना रो रहा था कि लेंसन सब कुछ भूल गया और विंक को ऐसा रोता हुआ देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो जाता है विंक के पास, बोलता है विंक क्या हुआ विंक? तो विंक जो रोते रोते सर हिलाता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो लेंसन बोलता है विंक तुम क्यों रो रहे हो? तो विंक बोलता है, विंक रोते रोते बोलता है मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ी लेंसन। तो लेंसन शॉक में था, लेंसन बोलते तुम्हारी वजह से? तो विंक बोलते हाँ चाची सही बोलती थी कि मैं मनहूस हूँ, मैं जिसकी भी लाइफ में आता हूँ उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अब मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ तो तुम्हारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, मम्मा ने तुम्हें मारा मेरी वजह से। और विंक जैसा बहुत रो रहा था और लेंसन जो विंक को देख रहा था तो लेंसन बोलते हैं विंक तुम रो मत विंक, तुम्हारे लिए रोना ठीक नहीं है। तो लेंस तो विंग अपना फेस उठाता है और बोलता है मेरे लिए रोना ठीक नहीं है, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि मैं मर जाऊँ। विंग बोलता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है लेंस, मेरी वजह से आज तुम्हें इतनी डांट पड़ी मेरी वजह से, मैं मनहूस हूँ, मैं सच में जिसकी लाइफ में भी आता हूँ उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो लेंसन विंग का शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है। तो विंग बोलता है ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। अब पता नहीं मम्मा को कैसे पता चल गया कि मैं होटल में अकेले था। तो लेंसन विंग को शॉकिंग नज़र से देखता है, लेंसन बोलता है तुमने मम्मा को नहीं बताया? तो विंग बोलता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं बताया, मम्मा मॉल से आई, मम्मा शॉपिंग के लिए मॉल गई थी और जैसे ही वापस आई तो फिर मम्मा जो मुझसे पिक मांगने लग गई कि तुम घूमने गए थे मुझे पिक दिखाओ। तो मैं चुप था, मैं शॉक में था और मम्मा जो फिर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मुझे मम्मा ने कुछ भी नहीं बताया। लेंसन जो शॉक में था और इनको देख रहा था तो विंग बताए लेंसन मुझे माफ़ कर दो मेरी वजह से तुम्हें आज मम्मा ने डांटा, आई एम सो सॉरी लेंसन जो मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया, अब तुम्हारी लाइफ भी इसी तरह ही जाएगी, तुम भी धीरे धीरे सबसे दूर हो जाओगे जैसे जयवजन हो गया। जयवजन कहाँ होगा, किस हालत में होगा, पता नहीं वो ठीक होगा भी कि नहीं, वो अपनी फैमिली से दूर है सिर्फ मेरी वजह से क्योंकि मैं उसकी लाइफ में आया और अब मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने के लिए। तो लेंसन जो विंक को बोलता है नो विंक ऐसी कोई बात नहीं है तुम रो मत। तो विंक रोते रोते बोलता है मैं मनहूस हूँ लेंसन, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। और विंक ऐसा बोलता है तो लेंसन विंक के मुंह पर हाथ रखता है और बोलता है विंक के मुंह पर हाथ रखता है और बोलता है विंक ऐसा मत बोलो, गौर तुम्हें कुछ ना करे, गौर तुम्हें कभी कुछ भी ना करे और तुम मनहूस बिल्कुल नहीं हो, किसने कहा तुम मनहूस हो? और मम्मा ने मुझे इस वजह से नहीं डांटा, मम्मा ने मुझे तुम्हारी वजह से नहीं डांटा, मम्मा मुझे इस वजह से डांट रही थी कि मैं मियाँ मियाँ के साथ क्या कर रहा था, मम्मा सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मैं अकेले मियाँ मियाँ को क्यों घुमाने लेके गया था, वो मुझसे बस ये पूछना चाहती थी कि मेरा मियाँ मियाँ का क्या रिश्ता है। तो विंग लेंसन को देखता है तो विंग बोलता है फिर तुमने बताया क्यों नहीं, ये सही मौका था तुम अपने फीलिंग के बारे में बता देते। तो लेंसन बोलता है नहीं विंग ये सही मौका नहीं था, अगर ऐसे मैं मम्मा को कुछ भी बताता तो मम्मा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती, ये सही मौका नहीं था, मुझे सही मौके की तलाश है। तो लेंसन तो विंग जो लेंसन को देख रहा था और विंग रो रहा था तो लेंसन देखता है कि विंग रो रहा है, लेंसन विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और बताता है विंग रो मत, मत रो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो। तो विंग बोलता है नहीं जो भी हो बट मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ना मैं तुम्हें ये बोलता तुम लोग जाओ और ना आज तुम्हें इतनी मार और ना आज तुम्हें इतनी डांट पड़ती। और फिर विंग बोलता है मम्मा कहाँ है, तुम मम्मा को अकेले छोड़कर आ गए? तो लेंसन बोलता है मम्मा अकेले रहना चाहती है, वो मम्मा ने मुझे कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो विंग जो खड़ा हो जाता है
बताए, मैं मामा से बात करना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ मामा से बात करने के लिए। अभी जैसे घर जाता जा रहा था तो लाइन से बताया, भाई मामा को अकेले छोड़ दो। तो भाई सर हिलाते हैं, बताए नहीं मैं मामा को सब कुछ बताना चाहता हूँ कि गलती मेरी है। तो लाइन से भाई को देखता है, लाइन से बताए भाई मत जाओ। तो भाई बताए नहीं लाइन से, मैं मामा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता। एक मामा ही है जो मेरी खुशी देखना चाहती है, तो मैं मामा को इस तरह अपसेट कैसे छोड़ सकता हूँ। एक मामा ही है जो मुझे खुश देखना चाहती है, तो मैं उस मामा को कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ। मैं मामा को इस तरह नहीं छोड़ सकता, मैं मामा को मनाऊँगा। तो लहन सिंह रवीन को देख रहा था। रवीन जब मामा के पास आने के लिए रूम से निकल आता है, मेहमान सिंह कहते हैं हमें दिखाते हैं कि रवीन जो जाता है मामा के पास। तो रवीन जैसे ही जाता है मामा के पास, तो रवीन देखता है मामा जो अपने आंसू साफ कर रहे हैं। और रवीन जो देख रहा था, तो रवीन जल्दी जल्दी जाता है मामा के पास और मामा के घुटनों के सामने, घुटनों के पास बैठ जाता है और बताए मामा, मामा मुझे माफ़ कर दीजिए, मामा मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तो मामा देखती है रवीन को, तो मामा रवीन को बोलती है, रवीन फिर मामा खड़ी हो जाती है, रवीन को शोल्डर से पकड़ती है और बोलती है, रवीन खड़े हो जाओ, ये तुम कैसे बैठे हो, तुम्हारे लिए ऐसे बैठना ठीक नहीं है, तुम्हें फिर पेन होगा, खड़े हो जाओ। और रवीन तो देखता है कि मामा अभी भी मेरी ही फिक्र कर रही है। तो रवीन मामा को बोलता है, मामा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए लेंजन को, गलती मेरी है, मेरी है, मेरी वजह से लेंजन, मैंने लेंजन को कहा था कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेंजन तो मुझे लेकर जा रहा था। तो मामा जो रवीन को देखती है, तो मामा स्माइल करती है, मामा बोलती है ओके ओके ठीक है मैं समझ गई। तो रवीन देखता है कि मामा मान गई। तो रवीन शॉक में था और मामा को देख रहा था और मामा जो रवीन को देख रही थी और मामा जो अपने आंसर साफ करती है और बोलती है मैं समझ गई। अभी मामा देखती है कि लेंजन दूर खड़ा है और देख रहा है। तो मामा फिर लेंजन को देखती है और बोलती है, रवीन तुम कह रहे हो तो मैं लेंजन को माफ़ करता हूँ, मैं लेंजन को माफ़ करती हूँ, बट ये लेंजन की आखिरी गलती होनी चाहिए, पहली और आखिरी। अगर इसके बाद लेंजन ने तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी बिहेव किया, अब मामा देख रही लेंजन को होती है क्योंकि लेंजन भी मामा को देख रहा था, तो मामा ये सारी बातें लेंजन को ही सुना रही होती है। तो मामा बोलती है कि अगर दोबारा लेंजन ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मामा जैसा लेंजन को देखकर बोल रही थी, लेंजन जब भी नज़र नीचे कर देता है तो मामा समझ जाती है कि लेंजन को मेरी बात समझ में आ गई। तो फिर मामा जो इनको देखती है और इनको बोलती स्माइल करती है, बोलती तुम अपसेट मत हो, तुमने कहा तो मैंने लेंजन को माफ़ कर दिया, ठीक है अब रिलैक्स हो जाओ। तो फिर स्माइल करता है। तो फिर हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि मामा और लेंजन और रवीन जो खाना खा रहे थे और ये तीनों जब भी कभी एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। तो रवीन देखता है कि ना लेंजन खाना खा रहा है और ना मामा, क्योंकि ये लोग सिर्फ बस डिश मतलब प्लेट में चम्मच मतलब खाने के साथ खेल ही रहे थे। दोनों माँ बेटे खाना नहीं खा रहे थे, दोनों ही अपसेट थे और ना एक दूसरे को देख रहे थे। रवीन ये नोटिस कर रहा था और रवीन जो बहुत अपसेट था। और फिर हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन रूम में आता है। तो लेंजन देखता है कि रवीन बेड पर बैठा हुआ है और रवीन जो रो रहा है, रवीन चुप चुप कर रो रहा है। और लेंजन जैसे ही बोलता है रवीन, तो लेंजन जैसे अपने मुँह से रवीन का नाम लेता है तो रवीन जल्दी से अपने आंसू साफ करता है और खड़ा हो जाता है और लेंजन को फेंक से स्माइल करता है, बोलता है तुम आ गए लेंजन। तो लेंजन देखता है रवीन रो रहा था, तो लेंजन फिर रवीन के पास आता है और रवीन को बताया, रवीन तुम क्यों रो रहे हो। तो रवीन जब अपनी आँखें नीचे कर देता है तो लेंजन बोलता है, रवीन तुम क्यों अपसेट हो रहे हो, मामा ने तुम्हारी वजह से मुझे नहीं डांटा है। तो रवीन सर हिलाते होते हैं, नहीं मामा ने मेरी ही वजह से तुम्हें डांटा है, पहली बार तुम पर हाथ उठाया है मेरी वजह से। तो लेंजन रवीन की बातें सुनता है, लेंजन चुप हो जाता है। तो रवीन लेंजन को बोलता है, लेंजन आई एम सो सॉरी लेंजन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी लाइफ अब बर्बाद होने शुरू हो जाएगी लेंजन। तो लेंजन रवीन को देखता है, गुस्से में हो जाता है। लेंजन बोलता है, रवीन तुम फिर से वही बातें कर रहे हो। तो रवीन बोलता है, ये सच है मैं मानूस हूँ। रवीन जैसा वो वॉशरूम चला जाता है और लेंजन जो रवीन को देख रहा था और रवीन जैसे वॉशरूम जाता है वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। और रवीन के रोने की आवाज़ जो बाहर तक आ रही थी, लेंजन को आवाज़ आ रही थी, लेंजन रवीन को ऐसा रोता हुआ देखकर बहुत अपसेट था। तब हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाता है कि रवीन
और लंजन बेड पर लेटे हुए हैं। विंग ने जब अपने आप को बैंगी के अंदर छुपाया था और विंग इसी तरह सहक रहा था, रो रहा था। और लंजन जो विंग के पास विंग का सहकना सुन रहा था और लंजन जो देख रहा था कि विंग इतना अपसेट है। तो फिर लंजन जो विंग का सहकना सुन रहा था कि विंग अभी भी अपसेट है, तो लंजन विंग को बताया, विंग बस करो विंग, रोना बंद करो, तुम इतना क्यों रो रहे हो। विंग कुछ नहीं बोलता। तो लंजन विंग के फेस से बैंकेट हटा देता है। अब जैसे ही वो बैंकेट हटाता है, लंजन देखता है विंग रो रहा था। विंग जल्दी से बैंकेट को दोबारा से अपने फेस पे डाल देता है। और लंजन जो बैठ जाता है, गुस्सा हो जाता है। लंजन बताए, विंग तुम ये रोना बंद करो, बस करो, तुम इतना रो क्यों रहे हो। तो विंग जो फिर भी रोए जा रहा था,